हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे अगर आप सावन के महीने में जो मेला देख रहे हैं कि जैसे लोग कांवरिया लोग आ रहे हैं, तो बीच रास्ते में आपको कहाँ पे फ्री खाना मिलेगा और उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे खाना फ्री हो गया, चिकित्सा का अगर आपको दवा वगैरह लेना तो भी फ्री मिलेगा, और खाने के साथ साथ मसाज वगैरह अगर करवाना है आपको तो भी फ्री मिलेगा, आराम करने का विश्रामालय भी फ्री है, निःशुल्क है, बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अभी हम सुल्तानगंज से जल उठाकर 65 किलोमीटर दूर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ भवन में। यहाँ पे अभी हम लोग कटोरिया यानी कि तरपतिया कटोरिया से बस कुछ ही दूर पीछे हैं और यहाँ पे है छत्तीसगढ़ भवन। छत्तीसगढ़ भवन में सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं आपको फ्री मिल रही है, वो आगे चल के हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार में दिखाएंगे। तो स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का, और वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा जरूर देख के जाइएगा। हर हर महादेव बोल बम। बोल बम, बोल बम। ऐसे ही आप इस रास्ते से चल के आ रहे होंगे, तो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरफ में ये दिखेगा छत्तीसगढ़ बोल बम कल्याण संघ का बैनर लगा हुआ, और इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा, तो इसका कुछ इस तरीके से दिखता है इंटरफेस। ये इस तरीके से छत्तीसगढ़ बोल बम कल्याण संघ का यहाँ पे भवन है, छत्तीसगढ़ भवन, जो कि आपको गूगल मैप पर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है चिकित्सा का प्रबंध यानी कि चिकित्सालय, मालिश मसाज जो भी है आप यहाँ से अपना दवा भी ले सकते हैं, और बहुत सारे जो बम लोग हैं आपको सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आपका मालिश करते हैं, दवा देते हैं, तो काफी अच्छा चीज है यहाँ पे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, किसी चीज के लिए हमें पैसा नहीं देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मसाज भी हो रहा है, मालिश भी हो रहा है, और यहाँ पे दवा भी ले रहे हैं लोग, और देखिए मसाज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा, यही बिल्कुल निःशुल्क है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ भवन में अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे विश्रामालय दिखेगा, यह है विश्रामालय, जहाँ पे चार्जिंग का आपको व्यवस्था मिल जाएगा, सोने का, बैठने का, और चार्जिंग का व्यवस्था मिल जाएगा आपको, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप रोड से आ रहे हैं या फिर गाड़ी से आ रहे हैं तो भी आपको ये सुविधा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रोड पे भी बैनर लगा हुआ है छत्तीसगढ़ बोल बम कल्याण संघ का, और यहाँ पे जस्ट बगल में है ये छत्तीसगढ़ बोल बम कल्याण संघ। इसका सदस्यता लेने के लिए आजीवन शुल्क है 11,000 रुपया, वार्षिक शुल्क है 500 रुपया। और छत्तीसगढ़ भवन के जस्ट अपोजिट साइड में आप देखेंगे यानी कि दूसरे साइड में, तो इस ओर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे भंडारा, और इसके जस्ट बगल में है यहाँ पे शौचालय का प्रबंध है, नहाने का प्रबंध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैंड है कावर रखने के लिए या फिर अपना जल रखने के लिए। और इसके अपोजिट साइड में भी एक विश्रामालय है जो कि काफी बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ भी लोग विश्राम कर रहे हैं। तो ये है इसका भंडारा वाला जगह जहाँ पे लोग देखिए भोजन कर रहे हैं, भंडारा चालू है, और इसका टाइम दिखा देते हैं आप लोग कब से कब तक चलता है ये। तो ये है इसका समय सारणी, कब कब मिलेगा आपको खाने के लिए देख लीजिए। और यहाँ पे है और
देख लीजिए खाने में क्या क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे गुलाब जामुन है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, अचार है, अचार भी है। और बहुत बहुत धन्यवाद ये भाई लोग का, अपने बम लोग का, जो हम सब लोग को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और देख, और खास बात यह है कि सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क है, मुफ्त है। तो आप लोग आइए, आपका तो आप लोग आइए, आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे भैया लोग बिल्कुल सेवा करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेवा में। देख लीजिए अचार है, चावल है, दाल है, यहाँ पे सब्जी है, रोटी है, और ये गुलाब जामुन है। और ये भैया जो है सभी लोग का पानी पिलाते हैं, दे रहे हैं सेवा में आना। आप लोग को सेवा करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। और पुण्य का काम कर रहे हैं, और सभी कांवरियों का सेवा कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। उत्ता लेते नहीं, बाकी को फेंक देते हैं, झूठा सूठा सब। लेकिन इनका एक खास बात सुन लीजिए, हम लोग बोल बोल कर थक जाते हैं बम की, लेकिन झूठा को छोड़ते हैं, इतना सकते नहीं उत्ता को ले लेते हैं, और खाना खाने के लिए छोड़ देते हैं बाकी सामान को। अभी बम भैया लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इनसे विनती रहेगा कि इस तरीके से सभी लोग का सेवा करते रहे। और इनका आपसे बम लोग से विनती है कि खाना उतना ही लें जितना आप खा सके, क्योंकि जो खाना आप छोड़ते हैं वो खाना दूसरे लोग के काम आ सकता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। धन्यवाद। बोल बम, बोल बम। और देख लीजिए सभी भैया लोग जो है सभी कांवरिया लोग का सेवा कर रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पानी पीने के लिए रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, और भैया जो है और बम जी जो है सभी लोग का पानी दे रहे हैं। देख लीजिए इसमें पानी भी आ रहा है, और बिल्कुल ठंडा पानी है एकदम। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा। इस वीडियो को अपने पास ही मत रखिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीजिए, और अपने अगल बगल के लोगों को भी शेयर कीजिए। और जो लोग आना चाहते हैं उनका पूरी तरीके से स्वागत है, एकदम दिल खोल कर आइए और इसका आनंद लीजिए, और अपने सेवक लोग का सेवा करने का मौका दीजिए। और स्वागत है आप सभी का कांवर यात्रा 2023 में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं इस सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक का पूरी यात्रा। उसमें आपको और भी जानकारी मिलेगा, और उसमें और भी निःशुल्क सेवाएं जहां भी है वो सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं और दिखाएंगे उसमें आपको विस्तार तरीके से। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव। हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, पैदल ही अइबो बाबा तोहर दुआरे।